Assalamu alaikum class. Today we will discuss about methods and functions. So the first question here is that what is method? Ek method kya hota hai, kyun usko use karte hain, syntax kya hota hai? So a method is basically is a group of statements that together perform a specific task. कोई भी एक काम करने के लिए हम कोई भी method create कर रहे होते हैं. Usually अभी तक जो हम एक अगर example देखें किसी भी method की जो हम already use कर चुके हैं, that is a main method. ठीक है, इसके अलावा method जो है आपके पास use हो रहे होते हैं कोई भी एक specific task अगर आपने करवाना है तो आप उसको methods के through use कर सकते हैं. Once you have created the method, आपने method बना लिया, अब आप उसको बार बार whenever it need, you can use it or call it. So the basic purpose of creating a method is that reusability of code. आपने एक set of statement जो बार बार perform करनी है, आपने उसको एक method के अंदर write down करवा दिया. अब जब भी आपको वो group of statements required हैं, आप just उस method को call करेंगे और उस method के through आप जो है वो उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं. तो जब हम मेथड की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एलिमेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेथड. तो अगर हम मेथड्स की बात करें तो बेसिकली वी हैव वन प्रीडिफाइंड मेथड्स. And user defined method. अगर predefined methods की हम बात करें so आप already familiar होंगे console की class के different methods like राइट लाइन, राइट, रीड लाइन एंड सो ऑन. इसी तरह अगर मैं मैथ की क्लास की बात करूं, सो मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये ऑलरेडी वो मेथड हैं जो पहले से बिल्ट इन मेथड हैं. हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लास के नाम के साथ इन मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं. और अगर मैं यूज़र डिफाइंड मेथड्स की बात करूं, सो यूज़र डिफाइंड मेथड्स वो मेथड्स होंगे जो यूज़र या प्रोग्रामर ख़ुद से क्रिएट कर सकता है, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर. सो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ मेथड. जब हम मेथड की बात कर रहे हैं तो मेथड्स के हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं. सो जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर्स type of the result returned by the method. Then method name, list of parameters. So अगर हम method की बात करें, syntax of method, so syntax of method क्या होगा मेरे पास, syntax of method is कीवर्ड स्टैटिक देन
return type. Method name and parameters. ठीक है, आपके पास static का keyword, return type of method, method name and parameter list. Let assume यहाँ पर मैं एक method access modifier, let's say public static. अभी let assume के हमारा method कुछ भी return नहीं कर रहा, तो void would be return type. Method name let's say print me, and parameter list let's say empty. और ये मेरे पास braces के अंदर body of method, यानी कि यहाँ पे वो आपकी group of statements हैं जो कोई भी specific task perform कर रही हैं. अब हम ये access specifier हमारे पास क्या होते हैं, access modifier क्या होते हैं, three types से होते हैं. First one is public, second one is private and third one is without any access modifier. Without any access modifier. Public means ये अगर एक method को मैं public create कर रही हूँ, so it can be called by any C#. ठीक है, अगर मैंने एक मेथड को पब्लिक किया है, इट मींस ये पब्लिक मेथड है और इसको कोई भी प्रोग्राम C# का कोई भी प्रोग्राम इजीली एक्सेस कर सकता है. अगर मैंने किसी मेथड के साथ प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट फ्रॉम द क्लास इन व्हिच इट इज डिक्लेयर. Can only be called from the class in which defined. अगर मैंने private का modifier use किया है, so ये मेथड सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा. और अगर मैंने पब्लिक प्राइवेट के अलावा कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज़ किया, तो फिर आपके पास डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा और डिफ़ॉल्ट इज़ यूज फॉर ऑल द क्लास एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द क्लास इन द करंट असेंबली. यानी कि जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, एक असेंबली फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, बाय डिफ़ॉल्ट उन सब के लिए वो मेथड एक्सेसिबल होगा.